मैं सिमरन शर्मा T13 कैटेगरी में खेलती हूँ। मैं पैरालंपियन हूँ, अभी करंट में पैरालंपिक खेल कर आई हूँ टोक्यो 2020, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। बहुत ही अच्छा नेशनल करवाया, खासकर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सबसे बड़ा उड़ीसा को, जो जिस तरीके का उन्होंने नेशनल करवाया है कि एक दूर से ही झलक दिख रही है कि कितना ग्रेट लेवल पर ये नेशनल हुआ है। तो थैंक यू सो मच उड़ीसा PCI, हमारे स्पॉन्सर इंडियन ऑयल एंड SBI भी यहाँ का मीडिया पार्टनर है, ऑफिशियली है लाइव स्ट्रीमिंग का, रेट्रो टीवी से जरिए से क्या बोलना चाहूँगी मैं? ये बोलना चाहूँगी कि आपने जो ये नेशनल करवाया, मेरे हिसाब से आज तक का सबसे बेस्ट नेशनल हुआ है ये, और इतना अच्छा हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना ग्रेट नेशनल कराने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हम मेहनत ऐसी करेंगे और हम आगे इंडिया के लिए गुड लाएंगे। और जैसे आप खेल चुके हैं तो वहाँ का माहौल, यहाँ का माहौल, वहाँ का चैम्पियनशिप, यहाँ का चैम्पियनशिप, क्या अंतर है? चैम्पियनशिप में काफ़ी अंतर है। पहले अभी हमारे टोक्यो में पैरालंपिक में बहुत सारे मेडल आए, तो मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है मेडल से। तो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता है नेशनल, हाँ पहले भी अच्छे होते थे, पर मेरे हिसाब से ये एक अलग ही लेवल का नेशनल हुआ है, लाइक एशियन गेम। तो ये मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है ये सब देख के। जैसे यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, अभी जिस तरीके से गेम हो रहा है, टाइम टू टाइम गेम हो रहा है, और एकदम इंटरनेशनल तरीके से सब चीज़ चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे का टारगेट क्या फिक्स किया हुआ है, क्या आगे जाकर कौन सी देश के लिए खेलना है? इंडिया के लिए गोल्ड लाना है, एशियन गेम का टारगेट है। तो अभी एशियन गेम अभी टारगेट है, उसके बाद टोक्यो 2020 और वर्ल्ड चैम्पियनशिप।